responses you are not getting appropriate. So, उसके लिए each school should have a audiological hearing testing facility. If you start, कहीं भी देखिएगा, special school है, ideal setup जहां भी देखेंगे आप, audiological setup is always there. In audiological, all kinds of audiometer which is required there. Educational audiology, this branch of audiology is called educational audiology. उसमें हमें sound field audiometry या free field audiometry जिसमें aided audiogram, unaided audiogram ये जरूर होता है. उसके बाद आज के डेट में आपके physiological test जैसे OAE हो गया, otoacoustic emission, उसका बेरा हो गया. उसके बाद अभी कुछ बच्चे correct response ना दे, SSR आ गया है. Upgraded technology. Upgraded. उससे हम audiogram objectively निकाल सकते हैं. ये जब setup हो जाए, तो fine tuning in case of children, fine tuning of the hearing aid हम कर सकते हैं, ये होना चाहिए. दूसरी चीज है कि important चीज है, शुरू में संजय जी ने बताया था, maintenance and repairing. ये important क्योंकि after all hearing aids are the mechanical electronic thing and it will get problem. तो दूसरे कंट्री में मैं बता रहा हूँ, ideally each child should have 4 hearing aids. दो hearing aid यूज करेगा, दो hearing aid स्कूल में all the time for a particular child, वो it will be lying there. The moment teacher understands कि भाई hearing aid खराब हो गया, need some change, तो दूसरी hearing aid होती है, वो immediately replace करते हैं. क्यों स्कूल में रहता है कि academic जो है, the value of academic is there. कि एक बार teacher जो पढ़ा दिया, फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, उसकी कीमत है. तो बच्चे को मिस नहीं होना चाहिए एकेडमिक लेसन्स. तो उसके लिए 4 हियरिंग है, उसके लिए ऑडियोलॉजिस्ट ऑल द टाइम ही विल बी देयर, ही हैज टू चेक एंड सी द परफॉर्मेंस. प्लस सेकेंडली इन ऑडियोलॉजिकल सेटअप हियरिंग एट परफॉर्मेंस दैट इज डन विद द एनालाइजर. जी वही बात है कि हियरिंग एट देने के बाद जिसे बताया कि आपने परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस तभी आएगी जब बच्चे को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ऑडिटरी ट्रेनिंग, क्योंकि उसी का एक मीनिंगफुल पूरा प्रोसेस कैरी आउट हो सकेगा. कि हम उसमें बच्चे को हियरिंग एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ के साथ उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो उसको अवेयरनेस हो सके, डिस्क्रिमिनेशन हो सके, और वो पूरा सब कुछ कॉम्प्रिहेंड कर सके प्रॉपरली, तभी एक बेस्ट आउटकम निकलेगा. और हियरिंग एड का एनालिसिस होना चाहिए. एनालिसिस का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट फ्रॉम टू टाइम इम्पेयर हो जाता है, तो हियरिंग एड, चूंकि हियरिंग एड इज द मेन थिंग, अगर डिस्टॉर्शन आ गया या हियरिंग एड में ही नॉइज आ गया, तो हमारा स्पीच का परसेप्शन बहुत खराब हो जाएगा. तो हमारे पास एक एनालाइजर होता है, पर्टिकुलरली स्कूल सेटअप के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि ऑडियोमीटर, स्पीच ऑडियोमीटर, प्योटो ऑडियोमीटर, देन फ्री फील ऑडियोमीटर, देन इम्पीडेंस एंड दिस बेरा एंड एसएसआर, प्लस एनालाइजर. एनालाइजर मस्ट बी द हियरिंग एनालाइजर, व्हिच विल बी हियरिंग इट विल बी एनालाइज फ्रॉम टाइम टू सी द वेदर इट इज आउट ऑफ कैलिब्रेशन और नॉट. सो वो, क्योंकि पढ़ाने वाले एक टीचर की कीमत है, कीमत हम नहीं देंगे टीचर की जो पढ़ा रहा है उसकी कॉस्ट है, तो बीच में हम उसकी वैल्यू नहीं देंगे जो बीच का मेडिएटर है. हियरिंग एड इज ए मेडिएटर, इट हेल्प टू ब्रिंग और मोड्स आइए थ्रू दैट टीचर्स लेसन गोज टू द चाइल्ड. तो उसकी जो टीचर ऑल राइट है, और जो बीच का मोड्स है उसमें हमें इम्पेयरमेंट कैन बी कंट्रोल, तो उसको हमें देखना होता है. ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, प्रिंसिपल, ऑल दोस थिंग आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. देन एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है ईयर मोड. ईयर मोड लेबोरेटरी मस्ट बी देयर इन ए स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, क्योंकि ईयर मोड एक जस्ट इट इज नॉट अ डिवाइस व्हिच होल्ड्स द रिसीवर और ट्यूब ऑफ ए हियरिंग एड. इट इज एकॉस्टिक कॉपुलर, कॉपुलर इन द सेंस इट कैन चेंज द एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स कमिंग फ्रॉम द हियरिंग एड. तो हम उसमें
मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड. तो ईयर मोल्ड आज के डेट में ईयर मोल्ड, और कहते भी हैं कि प्रॉपर ईयर मोल्ड फिटिंग ना हो तो फिर हियरिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो हियरिंग एड में कई प्रॉब्लम आ सकते हैं लाइक फीडबैक. और एक चीज और यहाँ बोल रहा हूँ, प्री स्कूल अर्ली इंटरवेंशन वाले बच्चे को एवरी सिक्स मंथ्स ईयर मोल्ड मस्ट बी चेंज्ड, पर्टिकुलरली यंगर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन बाय द एज ऑफ 3 इयर्स और 4 इयर्स, 1 ईयर के बाद चेंज करें. और बिलो द एज ऑफ 1 ईयर एवरी 3 मंथ्स ये चेंज करने. सारे सिस्टम पैकेज बने हैं जैसे और, मतलब वी हैव ओरल रिहैबिलिटेशन, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमें ईयर और ईयर हियरिंग एड्स, ईयर डिवाइसेस और ईयर मोल्ड्स का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो वो भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें ओरल रिहैबिलिटेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लिसनिंग स्किल्स को, हेयरिंग तो सुन रहा है लेकिन सुनकर बच्चे कितना समझ रहा है जी. तो समझने के लिए जो जो कंपोनेंट्स होना चाहिए, जैसे हेयरिंग एड है तो हेयरिंग एड क्या इम्प्लीफिकेशन ठीक हो रहा है कि नहीं. जब इम्प्लीफिकेशन अगर ठीक नहीं हो रहा तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, बायर में प्रॉब्लम है, आपका ईयर मोल्ड में प्रॉब्लम है. ईयर मोल्ड में भी सो मेनी टाइप ऑफ ईयर मोल्ड, जो अगर साउंड जा रहा है तो ईयर में ईयर मोल्ड का भी बहुत फिलोसफी है, उसे साउंड का जो अंदर कान तक जाना चाहिए वो ठीक तरीके से जा रहा है कि नहीं, उसमें भी ईयर मोल्ड में भी होता है. कस्टमाइज सॉफ्ट हार्ड, उसका भी फिलोसफी है कि उसका जो साउंड का होता है फ्रीक्वेंसी होता है वो कम जाता है ज्यादा जाता है. तो ये निर्भर करता है कि उस बच्चे के लिए कि जो हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं तो कितना सही तरीके से हो रहा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है. तो उसमें अगर हम एक रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से केयर एंड मेंटेनेंस की जा रही है हियरिंग एड्स की और ईयर मोल्ड की, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट कंडीशन में हमें उसको कैसे ठीक से रखना है. जी, ये सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द स्कूल ऑफ हियरिंग इंपेयर्ड, उसमें जो प्रिंसिपल होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, क्लास टीचर, 3 पीपल अपार्ट फ्रॉम अदर पीपुल, ये लोग को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, एकेडमिक एंड अदर थिंग, ये इंक्लूड होना चाहिए. अब होता है क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है ही शुड नो कि मेरा बच्चा सुन रहा है कि नहीं. इमीडिएटली यदि उसका रिमेडी ना, रिपोर्टिंग ना हो तो इमीडिएट उसके इंटरवेंशन नहीं होगा. तो ये हमें देखना है. और इसके अलावा टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी चीजें है लेकिन कुछ असिस्टिव डिवाइसेस है जिसको हम लोग स्कूल में लगाएंगे. तो उसको असिस्टिव डिवाइसेस 3 तरह के मुख्य रूप से है. तो मुख्य रूप से 3 है, जो एक हियरिंग बेस्ड है, एक विजुअल बेस्ड है, एक टेक्टाइल बेस्ड है. जी सर, जैसे कि आपने बताया कि डिफरेंट डिवाइसेस है और वो डिपेंड करते हैं कि इट्स विजुअल बेस्ड और टेक्टाइल बेस्ड. वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज and with that the upgraded technologies that help in identification and evaluation. बाकी की discussion हम एक छोटे से break के बाद continue करेंगे. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है. Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं. NIMH
प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पीरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शेडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person.
आपका फिर से स्वागत है हमारी चर्चा में. वेलकम बैक टू अवर डिस्कशन. अभी तक के हमारा जो डिस्कशन था इट वॉज अप टू द फैक्टर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजीज. सो वी विल कैरी ऑन दिस डिस्कशन टू द एक्सपर्ट्स. तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मेनली शुरू में ही चर्चा किए थे कि नॉइज, रिवर्बरेशन, डिस्टेंस, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये इंटरफेयर करते हैं. तो जो टेक्नोलॉजी क्या है जो इंटरफेयर कर रहा था या जो हमको परेशानी कर रहा था बच्चों को एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, तो टेक्नोलॉजी का यूज कर. टेक्नोलॉजी में हम मुख्य रूप से चार ये देखिएगा, ग्रुप हियरिंग एंड पर्टिकुलरली इन द क्लासरूम ऑफ ए हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, वो स्लाइड में देखेंगे आप, मैं चार का नाम लिखा हूँ. तो ये चार जो है हार्डवेयर सिस्टम है, FM सिस्टम है, उसके बाद लूप इंडक्शन सिस्टम है एंड इंफ्रारेड सिस्टम है. ये चार जो ऐसे ये ग्रुप हियरिंग एड है, या इसको हम असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस भी बोलते हैं, इससे हमारे नॉइज की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी, डिस्टेंस की समस्या कम हो जाएगी एंड उसके बाद स्पीच परसेप्शन सिग्नल टू नॉइज रेशियो वो हमारा बेटर हो जाएगा, और रिवर्बरेशन, क्योंकि बेसिकली जो जो स्पीच के जो साउंड है, स्पीच की जो इंटेंसिटी है, अब माइक रहता है टीचर के पास, उसमें भी कई टेक्नोलॉजी है, पोर्टेबल है, डेस्क टाइप है. तो चूंकि टीचर के पास माइक्रोफोन होता है तो ऑटोमेटिकली द लेवल ऑफ स्पीच इंटेंसिटी इज हायर दैन बैकग्राउंड नॉइज. तो हमारा ये डायरेक्टली चला जाता है, ये देयर इज नो डिस्टेंस इंटरफेरेंस. सेकेंडली कि जो बच्चा क्लासरूम में एट एनी कॉर्नर बैठा रहा तो ऑल चिल्ड्रेन सेम इंटेंसिटी ऑफ द टीचर्स से, बिकॉज एवरीबॉडी इज कनेक्टेड विद द हमारे असिस्टिव डिवाइसेस से. हार्डवेयर में वायरिंग होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों को मूवमेंट करने में, इसीलिए एफएम सिस्टम कुछ नहीं है, एफएम रेडियो जो है उसी का छोटा रूप है, फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है थ्रू रेडियो वेव्स. और ये चूंकि कॉस्टली है, मोर देन 1 लाख एक एफएम सिस्टम का है, डिजिटल हियरिंग एड, ग्रुप हियरिंग एड, तो हमारे देश में तो बहुत लिमिटेड है क्योंकि कॉस्टली है. लेकिन लूप इंडक्शन सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ लगा सकते हैं, उसका 10 to 20,000 के बीच में हो जाए, एक क्लासरूम में एक लगा सकते हैं. और हमारे इंक्लूजन में या यंगर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, उसमें मूवमेंट कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, और हियरिंग एड बच्चा अपना लगाए रहेगा, ही विल बी डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड विद द ग्रुप हियरिंग एड, तो उसकी मूवमेंट के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. समस्या है इसमें भी, जैसे एक क्लासरूम में लगा दिए, एडजेसेंट टू दैट क्लासरूम हम लूप इंडक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है, आई मीन मैसेज का ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जी. तो ये इंफ्रारेड सिस्टम हमारे ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस इंटरफेयर करता है, या देयर इज एक्स्ट्रा लाइट वो इंटरफेयर करेगा, बिकॉज लाइट एनर्जी है. अदरवाइज क्वालिटी ऑफ द स्पीच इज वेरी गुड, लेकिन मूवमेंट एंड बीच में कुछ है, ये लाइट आ गया या ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया, जैसे रिमोट कंट्रोल है टीवी का, वो सेम थिंग. सो ये लूप इंडक्शन सिस्टम हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही बेटर है. उसके अलावा एक है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर द डे, जो कि वेरी टेलीफोन यूज करना है या कोई बच्चे को रिटर्न में देना है, तो इसका TDD को यूज करके, और जैसे बच्चा स्पीच यूज नहीं कर रहा है तो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ साथ, इसको थ्रू TDD ही कैन गेट फैक्स एंड ऑल दिस थिंग, जैसे हम लोग यूज करते हैं फैक्स भी. इट वाज मेड फॉर द डेफ पीपल, फॉर इजीली एक्सेसिबल टीचिंग के लिए, लेकिन हम लोगों ने ले लिया, वो डेफ का कहीं नामो निशान नहीं है. तो एक्चुअली वो इन्वेंट हुआ था कि रिटर्न में इमिडिएटली दी जाए जो भी पढ़ाई जा रही है क्लास में, तो ये था. उसके बाद टेलीविजन सेट में मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए कि जो टीचर, मान लीजिए कि हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग दैट विल बी कैप्शनिंग शुड बी देयर, एंड USA में इट इज ए मैंडेटरी एनी प्रोग्राम
any program happening on TV, if it is more than 13 inch TV set, then captioning facility has to be given there. And very helpful for the hearing impaired children, particularly educational achievement ke liye. और इसके अलावा हमारे कुछ है और है अलर्टिंग डिवाइसेज है अलर्टिंग डिवाइसेज लाइक विजुअल मींस बेस्ड ऑन द विजुअल टू अलर्ट इंडिविजुअल्स लाइक डोरवेल्स टेलीफोन्स नॉकिंग डोर और बेबीज क्राइंग ओवन टाइमर्स स्मोक डिटेक्टर्स ही हैज टू अदरवाइज स्कूल में कुछ आग लग गई है वो ही इज नॉट एबल टू डिटेक्ट एंड इट इज मैंडेटरी व्हाइल डिजाइनिंग स्कूल दीज आर द थिंग्स टू बी सेट अप देयर Then some vibrating devices like used in place of alarm clock. That is the visual base. Sometimes like vibrator, SMS जो हम भेजते हैं चाहे vibrator है मोबाइल में शुरू में pager हुआ करता था. That was made for the deaf people to send the message. And आज के date में हमारा vibration आ गया है. Vibration तो हम लोग खूब use कर रहे हैं लेकिन that was because some deaf people cannot hear, so they can feel the vibration. So that is the one example. इसके अलावा computer technology जो है कि whatever teacher is teaching at the simultaneously computer technology such as fax machine, program for teaching a speech, real-time graphic display device for recording lectures. So these are the things in US and developed country. These are and computer तो हर school में है. तो इस technology के use कर हमारे भी बच्चे use कर सकते हैं. और बहुत कॉस्टली नहीं हो रहा है प्रमोटेड टेक्नोलॉजी और इट्स अ पार्ट टू प्रोवाइड द एक्सेसिबल एनवायरनमेंट टू द हियरिंग इम्पेयर्ड सो सम चिल्ड्रन इवन इंक्लूजन में बोलते हैं डेफ नहीं सुनता है नहीं बोलेगा उसको मन डालो जो टीचर पढ़ाएगा सिमल्टेनियसली ऑन कंप्यूटर इट इज डिस्प्लेड देयर इज नो प्रॉब्लम जी तो ये ऑडिटरी नहीं है तो विजुअल क्लूज मिल जाएंगे विजुअल नहीं है तो टेक्टाइल क्लूज मिल जाएंगे सो उसके बाद डेफ अलर्ट है अलर्टर है जो कि खासकर फायर वगैरह के कहीं हो गया तो ये देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स इन दिस सो ही हैज ऑल द राइट बैरियर फ्री एनवायरनमेंट ही शुड आल्सो नो कि कहीं से आवाज आ रही है फायर हुआ है तो आइदर ऑन द पीसी और मोबाइल ऑटोमेटिकली मैसेज विल गो टू ए डेफ पर्सन कि बी अवे फ्रॉम दिस प्लेस सो ये फैसिलिटी है उसके बाद हियरिंग डॉग्स है कि nowadays dogs can guide to the deaf people whether there is some problem or alerting signal dog is trained to guide the deaf person and very costly the hearing dog इसके अलावा हमारा जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट बहुत बड़ी इश्यूज है और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है उसमें प्रिंसिपल का उसमें मैं इंक्रीज फोकस ऑन स्टूडेंट स्टूडेंट्स आउटकम जो भी हमारा मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये होना चाहिए इंक्रीज स्कूल ऑटोनोमी ओवर द रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ सर्विसेज इट डीम्स नेसेसरी टू डेराइव स्टूडेंट आउटकम देन इंक्रीज स्कूल लेवल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड थर्ड असिस्ट स्कूल्स इन बिल्डिंग कैपेसिटी टू सर्व स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल नाउ आई विल बी टॉकिंग professionals in a school for HI, a network of specialists provides educational programming and services to hearing impaired students. And they are instrumental in construction, development and implementation of an educational program. And these are the people involved like a special educator, classroom teacher, resource teacher, itinerant teacher, tutor, note taker, interpreter, audiologist, speech language therapist, psychologist, social worker, administrator and parents and everybody has some role and responsibility. Each topic it can be a separate teleconferencing but we have to know these people ki inki kya roles hai. Team work ki matlab agar hum hearing impaired individuals ke saath kaam kar rahe hain to who are the other professionals and the main professionals जो एक टीम के उसमें काम करके एक बच्चे को बहुत ज्यादा बेस्ट आउटकम्स के लिए एनकरेज कर सकते जी तो मैनेजमेंट तभी हमारा मैनेजमेंट होगा मैनेजमेंट का तो बहुत ही एक मैनेजमेंट का अलग से हाउ टू गेट द आउटकम बेटर एंड फ्रॉम द जूनियर फ्रॉम द सीनियर एंड ऑल दिस थिंग लास्ट में मैं आई वुड लाइक टू टेल हियर
कि गुड सर्विस डिलीवरी मॉडल हमें मेन चार कंपोनेंट्स है, रेफरल्स, इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन, प्लेसमेंट एंड सर्विस प्रोविजन. सो ये रेफरल, रेफरल मीन्स पर्सन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द हियरिंग लॉस एंड हु इज रेफरिंग. टीचर, एवरीबॉडी इन द सोसाइटी मस्ट बी अवेयर, लाइक हम लोग, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई इट अर्ली एज सून एज पॉसिबल. अब डेवलप्ड कंट्री यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाता है, लेकिन दैट कैन बी अल्टरनेट अरेंजमेंट हमारे देश में कर सकते हैं थ्रू द स्कूल टीचर, सोसाइटी, पंचायत, अगर रेफरल. सो पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर, पेरेंट मदर तो रेफरल कर दें. और उसके बाद इवैल्यूएशन उसकी प्रॉपर होना चाहिए. सिर्फ रेफरल करने से नहीं होगा, रेफरल इज पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लेकिन प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड देन इवैल्यूएशन लीड टू द रिकमेंडेशन लाइक हियरिंग एड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल सेटअप. ये नहीं कि सारे बच्चों को एक जगह भेजो. सम चाइल्ड माइल्ड हियरिंग लॉस मोड, देर आर मेनी फैक्टर्स टू डिसाइड कि दिस चाइल्ड विल गो टू व्हाट टाइप ऑफ सेटअप, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल. नॉर्मल स्कूल जाएगा, इंक्लूजन में जाएगा, इंटीग्रेटेड, सेग्रीगेटेड. तो रिकमेंडेशन प्रॉपर हमारे ये स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए जो भी प्रोफेशनल है, और वो प्लेसमेंट में उसके बाद हम उसको उस रिकमेंडेशन के बाद एट एप्रोप्रिएट प्लेस उसको जाना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए. अदरवाइज हमारे देश में फैसिलिटी भी नहीं है, अप्रोप्रिएट है तो वो लिमिटेड है. और उसके बाद देन रियल सर्विस इज गिवन टू द चाइल्ड फॉर द बेटर एजुकेशनल मैनेजमेंट. एंड दिस फोर थिंग आई थिंक ईच स्कूल शुड है फैसिलिटी की व्हाट एवर दे शुड मेक ए दिस सर्विस डिलीवरी की राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन नॉट ओनली टू द एजुकेशन, आफ्टर दैट वोकेशनल, एजुकेशनल, रिहेबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, देन फैमिली काउंसलिंग. All these things could be for part of the service model system. जी सर, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से different service models and school models एक proper environment में हमारे को एक provide करते हैं, एक ऐसा environment जो बच्चे को encourage करने के लिए कि ताकि learning environment में promote कर सके बच्चे को skill acquisition के लिए, because we know that learning is an ongoing process and we should make the children, we should encourage the children to come in front and learn the skills positively using their strengths and capabilities. Ye information di hamare expert ne. Thank you so much sir for giving all this information on the today's topic of discussion. That was all about the today's discussion. This is time for the closing of our session. Thank you so much.